नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। एमसीडी एक्ट की रोटेशन पॉलिसी के तहत दिल्ली में इस बार नगर निगम चुनावों से पहले आरक्षित सीटों का स्वरूप बदला है। जो सीटें पहले महिलाओं के लिए आरक्षित थी वो अब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो गई हैं। चूंकि ये बदलाव एक तय प्रक्रिया के तहत हो रहा है, ऐसे में राजनीतिक दलों के पास इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके चलते दिल्ली की कुल 272 सीटों में से 136 सीटें नए उम्मीदवार उतरेंगे। ऐसे में वर्षों से तन मन धन से जनता की सेवा में लगे नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। आज हम बात करते हैं दर्शनगर विधानसभा की। इस विधानसभा में 3 वार्ड पड़ते हैं, वार्ड 16, 17 व 18। इस विधानसभा में पहले 2 वार्ड जनरल थे और 1 महिला था, मगर इस बार रोटेशन के चलते 2 वार्ड महिला आरक्षित हो गए और 1 जनरल हो गया। आज हम बात करते हैं वार्ड नंबर 18 की। जो पहले जनरल वार्ड था अब महिला वार्ड हो गया है। इसमें पहले अब तक बीजेपी के पार्षद नवीन त्यागी थे, जो इस बार दोबारा इलेक्शन लड़ने का दावा भी करते थे, मगर महिला सीट होने पर इस बार दोबारा वह इस सीट पर अपना दावा नहीं ठोक सकते। अब ये देखना होगा कि धीरपुर वार्ड के महिला सीट होने के बाद आप कांग्रेस और भाजपा चुनाव में किस महिला को अपना चेहरा बनाती है। अब हम बात करते हैं रोटेशन के बाद उन नामों की जो क्षेत्र में चर्चा में है। इसमें आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हमेशा इस वार्ड में एक्टिव रहते हैं। इसमें से एक नाम आता है बबीता वर्मा का, उसके बाद नाम आता है प्रीति राजपूत, प्रीति पुरी, तनु गुप्ता, मिथिलेश मलिक, संजना बत्रा प्राशर के नाम भी चर्चा में है। वहीं इसमें सबकी निगाहें विधायक पवन शर्मा पर भी टिके रहेंगी कि वह किसको अपना समर्थन देते हैं या फिर कोई हवाई यात्रा वाले उम्मीदवार के साथ सैर करते हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की तो इसमें नाम आता श्वेता बत्रा का, जो पिछले 20 सालों में इस वार्ड में कार्य में लगी हुई है और टिकट का दावा भी करती है। अन्य नामों में पूर्व निगम पार्षद नीलम बुद्धि राजा और टीना आहूजा का नाम भी चर्चा में है। क्षेत्र में तो यह भी चर्चा है, बीजेपी के धीरपुर मंडल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व निगम पार्षद नवीन त्यागी भी अपने परिवार से किसी न किसी को इस चुनाव में उतारें। दूसरी तरफ पूर्व विधायक उम्मीदवार राजकुमार भाटिया के नाम भी अपने परिवार में से किसी को उतारते हैं तो कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं। अगर बात करें कांग्रेस में तो उसमें सिर्फ एक चेहरा कविता भारद्वाज का है जो क्षेत्र में नजर आ रहा है। हमने जो ये सब नाम आपको बताए ये सब क्षेत्र की चर्चाओं में हैं। इसमें से किसी भी नाम का हम समर्थन नहीं करते हैं। फैसला पार्टी को करना है कि किसको अपना उम्मीदवार बनाती है किसको नहीं। बहरहाल देखने में ये होगा कि इस चुनाव में कौन नेता अपनी पत्नी बहू और बेटी के माध्यम से सीट पर कब्जा करता है या फिर कोई हवाई यात्रा से नया चेहरा चुनावी मैदान में उतरता है।